ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं भाई साहब। शहर का लौंडा होता ना प्रकाश की तरह, लोकेश की तरह, अबे गिर जाते यहीं पे हो। लो गाइस, और ये देखिए, ये हमारे खेत है और यहाँ ये धान की क्यारियाँ उनको बो रहे हैं अभी, इससे बाद में धान की रुपाई करेंगे। तो वहाँ पे एक गोलाकार मेड़ बन रही है जिससे पानी जाएगा। वो मम्मी है और वो बड़ी जी हैं। ये अमित की मम्मी है और वो मेरी मम्मी। वो बीजों को छिड़क रहे हैं और यहाँ पर ये क्यारी को फिनिशिंग दे रहे हैं यहाँ से। और मैं पानी के लिए यहाँ से नहर से, ये नहर है, और मैं यहाँ से पानी के लिए कच्ची नहर टाइप की बना रहा हूँ जो सीधे धान की जो बीजक है या उसमें डालेंगे। ये हमारे खेत है और इसके जस्ट सामने एक गुफा है, आपको बता दें वो सामने दिख रही है पहाड़ पे, ये जिस पर मैंने जूम किया है। उधर पक्षियां भी रहती हैं और एक साही होता है जिसको स्योला बोलते हैं। एक दिन प्लान करेंगे वहां जाने का। तो उधर भालू भी हो सकता है। चढ़ाई काफ़ी कठिन है, तो देखेंगे खड़ी डाल है पूरी। ये देखिए गाइस, ये ऊपर के खेत में ये बन के तैयार हो गया है। ये देखिए पानी के लिए यहाँ से पानी तोड़ेंगे नहर के थ्रू, ये कनेक्शन है, और यहाँ से उस खेत की मेंड तक जाएगा ये। उसके बाद अभी नीचे बनाना बाकी है। एक साइड की क्यारी बन के तैयार हो गई है, अब इसमें हम पानी लगाएंगे थोड़ी देर में। इस साइड का भी WIP में है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से पानी तोड़ दिया है नहर से, और ये पानी अभी जा ही रहा है। ये पानी नीचे गिरता होगा यहाँ से। अभी पानी नीचे वाले खेत में चला गया है। क्योंकि अभी मिट्टी थोड़ी सूखी हुई है तो जितने भी पोरस हैं सारे बंद होंगे, उसके बाद ही पानी फ्लो में बढ़ेगा आगे। और पानी कम भी, देखिए यहाँ से पानी आया और ये यहाँ से नीचे जा चुका है पानी इस खेत में चाहिए। यहाँ देखिए, इस नज़ारे को देखिए आप, बहुत सुंदर है। यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे, ये है ये देखिए, पानी धीरे धीरे भर रहा है इस बीजवा में। हाँ देखिए नदी,
गाइस एक बार फिर हम गर्मी इतनी हो रही है कि नदी में मजबूरन आना पड़ रहा है, और आज हम असीन के रॉ में नहीं है, आज हम हैं आई मीन टू नेचुरल स्विमिंग पूल में। ये है वो आप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ ये हमने बनाया है, ये वहाँ से मोटर के लिए पानी जाता है, यूं का तोड़ो ना बे। और ये अभी गंदगी साफ करने के लिए पानी को तोड़ा हुआ है। अभी हम आपको झरने पे ले जाते हैं, अमित बताएंगे झरने के बारे में। आपको झरने पे लेके चलते हैं, नेचुरल झरना तो नहीं है, आर्टिफिशियल झरना है, हमने बनाया है खुद, तो चलिए लेके चलते हैं आपको झरने पे। चलिए ये उधर है, हम वहाँ जाएंगे, आइए मैं गिर जाऊंगा। चलिए कम ऑन फॉलो मी। क्या संभल कर चलना होगा, फोन गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैंने फोन को बचा लिया। ये पत्थर है, लाल ये पत्थर है, इसमें काई जमी हुई थी सवाल, तो बहुत ही फिसला थी। उफ, दुआ करो कोई अंदरूनी चोट ना आई हो मुझको। हाथ में भी लगी। चलिए कोई नहीं, ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं। भाई साहब शहर का लौंडा होता ना प्रकाश की तरह, लोकेश की तरह, अभी गिर जाते यहीं पे हो। अभी तो माथी पिटी हो मेरे को लग ही रहा था कि मैं गिरने वाला हूँ। मैंने रिस्क लिया था और मैं गिर गया, और एकदम सीधे लेट ही गया, मतलब हाथ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे छिल गया है थोड़ा सा। उफ, कोई नहीं, इट्स ओके, हमको झरने पे जाना है। लेट अस कंप्लीट अवर टास्क विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन अवर इट इज हर्ट्स एंड वॉन्ट्स। दिमाग में लग गया अंदरूनी चोट। अभी अभी कुछ कह रहा है, क्या हो गया इनके दिमाग में, अंदरूनी चोट। अभी ये देख क्लिकर हो रहा है इसमें। गाइस हमें वहाँ पे जाना है, वो झरना है, आर्टिफिशियल कहेंगे लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। अभी पानी की थोड़ी कमी है, ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया है, आर्टिफिशियल सुंदर बहुत है ये झरना। तो अब यहां को काप, काप, काप। मेरे पैर में भी चोट लग चुकी है, देखिए क्या खूबसूरती है इस झरने की। चू 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 ओ ओ ओ। तो गाइस ये झरना यहाँ टूट भी रखा है, पर झरना बहुत बढ़िया लग रहा है, आर्टिफिशियल है। तो अब चाचा जी जाएंगे वहाँ नहाने। चाचा जी वक्त बचू नहीं है, अब चाचा जी चले गए वहाँ नहाने। आराम से आराम से। अब पिंटू भाई जाएंगे झरने के नीचे। कहाँ पिंटू भाई? चेयर के ये पिंटू भाई के लिए। मैं भी यहाँ नीचे गया हुआ था, तो वहाँ पे एक सांप था पानी वाला, जिसका कलर लगभग पानी की तरह होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो मैं जब तक इनको बोला कि कैमरा लेके नीचे आओ, तो तब तक वो जा चुका था। ध्यान रहे कभी भी अगर पानी वाला सांप काटे तो पानी में ही रहे, और जहाँ पे काटा है उस भाग को पानी में रखें, क्योंकि जो आप उसने विष छोड़ा है, पॉइजन छोड़ा आप पे, तो वो क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है पानी के साथ में, तो उतना असर नहीं करता है। कभी भी पैर को बाहर ना निकालें, और पैर को किस चीज से बांध लें। ठीक है, यहाँ आए हो तो आपसे कटवा के दिखाए ऐसे जान दे रहा। कोई भी सांप काटे तो पानी में पैर डाल दे। पिंटू भाई को बोलेगा तू डॉक्टर है रे बाबा, तू डॉक्टर चुप रह रहे, तू चुप रह। मौज कर दी बहजी, मौज कर दी। पानी का फ्लो काफी तेज है, ऊपर जाके कम करना पड़ेगा। एक हेयर बैंड बंद हो रहा है। बहुत तेज चोट पड़ रही है।
पानी की खोपड़ी में टन टन से इतनी तेज चोट पड़ी है ना सर में। सर पहले वो नीचे गिर गए, उसके सर थोड़ा मेरे सर में दर्द हो गया। पहले मैं गिरा, फिर मुझे सांप दिखा, अब ये पानी मेरे पे चोटे मार रहा है यहाँ से। मेरे हाथ में दर्द होने के बाद ये कैमरा पकड़ पकड़ के चलो ऊपर चलते हैं। घर से हो चुका है, मम्मी भी आवाज मारने वाली है और मम्मी की डांट से बचने के लिए हमको जल्दी जल्दी नहाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल में हम नहाएंगे, उस दिन तो बनाया नहीं था ढंग से, लेकिन आज दूसरा है। इससे कनेक्टेड विद अस मुझे ये पानी ऊपर तक लेके जाना है, तो मैं इतना पानी लेके जा सकता हूँ कि नहीं, तो मुझे संभल कर चलना होगा। देखते हैं, इतना चैलेंज है अमित के साथ और मेरे साथ। चलो चलिए
गाइस, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम स्टोन बाउंस गेम खेलने वाले हैं। स्टोन बाउंस मतलब नदी में कितनी बार एक पत्थर टिप्पे खाता है। एक एग्जांपल दे दीजिए। तो देखिए, मैं एक पत्थर ले रहा हूँ इसमें से जो खराब है। ये वाला पत्थर ले लिया मैंने। तो देखिए, हमको ऐसे फेंकना है, थ्रो करना है पत्थर को ऐसे करके। ये तीन टप्पे खाए हैं, किसका पत्थर कितने ज्यादा टप्पे या बाउंस खाता है, ठीक है, तो वही विनर होगा। हम केवल एक बार खेलेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास। चलो, अब पहले कानू अपना पत्थर लेगा। कानू, कौन सा पत्थर चाहिए? ले लिया है। अब पिंटू अपने ले लेगा। अमित के लिए तो बचे हुए बचेंगे बस। अमित के जॉब टैलेंटेड लोग किसी से भी कर देंगे। ये है मेरा घर में अमित। तो हम ये पत्थर अब फेंकने वाले हैं। तो चलिए, पहले कानू जाएगा ऊपर। कानू जाइए आप नीचे। हाँ, जो भी वो टापू सा दिख रहा है, आइलैंड छोटा सा, वहाँ से फेंकना पत्थर। और जाना था, तैरना नहीं था। इनकी समझ में नहीं आती है। हमने जाने के लिए बोला, ये तैर रहा है यार। मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ भाई। फिर बात नहीं, बात टिपड़ी टेगड़ी। प्लीज फोकस ऑन, या आप बाहर चलिए, मेरे पास दीजिए। बाहर है मैं, अरे ना अंडे पौड़े पास कही है, हम पे ना मारे। तू यहीं पर है, किनारे हो जा। तू यकी बुरा है, तू यकी बुरा है। ये डिस्क्वालीफाई भाई साहब, ये कौन ये बहुत तेज पे गए जा रहे हैं इन्होंने। अगर ये गलती से मेरी साइड आता तो पड़गा मोड़ दिया था। चलो, अब अमित की बारी है। अमित की बारी, इन्होंने पड़गा मोड़ दिया था भाई जी का। अमित तैर के जाओ, तैर के मेरे पास जिनको बोलो चल के जाओ वो तैर रहे हैं। तेरी तो तेज नहीं फेंगड़ बे, तेरे फिर गेयर पाने जे। इसके बाद हम पानी के अंदर कौन कितनी देर तक रहता है वो वाला गेम भी खेलने वाले हैं। 1 2 3 गो। 1 2 और इनके 2 टप्पे खाए हैं। कानू का भी एक सिंगल टप्पे में बाउंड्री से बाहर हो गया था, तो 1 टप्पा कानू का है और 2 टप्पे हैं अमित के। अब है पिंटू की बारी। मेरे पास एक और पत्थर है गेम में। तो अब मैं स्टोन थ्रो करूंगा वहां से, स्टोन बाउंस। ले पकड़, एक फिर से देखो अपने जगह। नहीं है सर, आई डी मगर मटक गई। देखिए इनकी, हो गया हो गया हो गया। ये एकदम सब निकल रहा है। एक और Mm-hmm.
मतलब कुछ करेगा। अब हम सांस रोको चैलेंज खेल रहे हैं, पानी के अंदर कितनी देर तक कोई सांस रोक सकता है और हम बार से काउंट करेंगे। पहले मैं और अमित चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो जो देर तक हम एक साथ पानी में जंप लगाएंगे और उसके बाद जो देर पहले बाहर निकलेगा तो वो हार जाएगा, जो देर में निकलेगा वो विनर रहेगा, ठीक है? तो हम जा रहे हैं, कम ऑन अमित, कैसे भी जा सकते हैं पानी के अंदर। 1 2 3 गो। 1 2 तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं, आज के लिए इतना ही था, इट्स ओवर फॉर टुडे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। फोन ओवर हीट हो रहा है तो वीडियो नहीं बन पा रही है इसमें। सी यू सून, बाय बाय। नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल ये झरना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अरे करना।